श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ स्वागत द्वार और यहाँ पुणे के श्री रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल साहब का नाम भी लिखा है। ये सिरोही का वो तीर्थ है श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान का। रेवदर तहसील में ये मंदिर पड़ता है और मंदिर हजारों साल पुराना है निश्चित रूप से, लेकिन अभी कुछ पिछले 2-3 सालों से इस मंदिर में तेज़ी से काम हुआ है और हो रहा है। और यहाँ का अगर हम संपूर्ण नज़ारे को, अभी चूंकि ये बाहर का नज़ारा है जो लगातार इस तरह का हम देख सकते हैं कि यहाँ लगातार भवन आदि बन रहे हैं। यहाँ जो साधन एक सामान्य रूप से चाहिए एक तीर्थ में, एक आश्रम में या एक इस तरह के मंदिर में, वो यहाँ संपूर्ण व्यवस्था हम देख सकते हैं। बहुत खास मंदिर है, पहाड़ की एक तरह से तलैटी में रेवदर तहसील में ये मंदिर है। और जीरावला पार्श्वनाथ भगवान की महिमा जैन धर्म में सर्वाधिक मानी गई है। इस तरह से मानते हैं हम कि जब भी कोई शुभ कार्य जैन समाज में होते हैं तो उसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री जीरावला पार्श्वनाथाय नमः से शुरुआत होती है। हम अगर ये चारों तरफ इधर भी नज़र डालेंगे हमको खूबसूरती दिखाई देगी। निश्चित रूप से मंदिर भी हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले ये बड़े बड़े जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और ये देखने में सच में बहुत अद्भुत हैं, बहुत खास हैं। और यहाँ चतुर्मास जो कि एक और बड़ा पर्व हो जाता है, उसकी कहानी अपने आप बहुत बड़ी होती है। यहाँ हम कुछ बोर्ड देख रहे हैं, विजय पूर्ण चंद्र सूरीश्वर जी महाराज सा, और यह चतुर्मास है। ये हम देखकर हमको निश्चित रूप से आनंद आएगा। ये मंदिर का बाहर का नज़ारा है और मंदिर के साथ हम पीछे अगर देखना चाहें जहाँ ध्वजा लहरा रही है, वो अपने अपने चारों तरफ से हमारे साथ मोहन भाई हैं। पीछे क्या कहेंगे मोहन भाई आप? अम्बा जी मंदिर है जो ऊपर पहाड़ी पर, पहाड़ी के ऊपर अम्बा जी का मंदिर है, अम्बा जी माता का मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, सामने अम्बा जी का मंदिर है। और ये वो मंदिर है जीरावला पार्श्वनाथ भगवान का। इधर ये सब धर्मशालाएं हैं, ये सब धर्मशाला, ये सारी, क्योंकि निश्चित रूप से भारतवर्ष से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और वो यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से एक रहने की, ठहरने की, भोजन की आदि की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और ये अपने आप में आप देखिए यहाँ की फुलवारी, यहाँ की हरियाली, यहाँ की ये वृक्षावली, ये सारी बातें मन को मोहने वाली है। ये क्योंकि मंदिर की एक मर्यादा होती है, जहाँ तक हम संभव होगा आपको इस देव दर्शन के माध्यम से इस मंदिर के विहंगम नज़ारे को दिखाएंगे। और ये दिखाने का हमारा एक लक्ष्य भी है, श्री रामचंद्राय प्रवचन उपवन। ये संपूर्ण क्षेत्र अपने आप में बहुत विहंगम है। मैं थोड़ी सी अगर कैमरे को उधर फोकस करूँ तो वहाँ सारे, ये सारी धर्मशालाएं हैं। और सबसे खास बात हम ये कहेंगे, बाकी क्या बताएंगे आप? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ भी, यहाँ मुझे लगता है कुछ जो संत जन यहाँ विराजते होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हम और थोड़ा अभ्यास करते हैं मंदिर के हम बाहर के नज़ारे को दिखाते हैं। ये सच में बाहर का नज़ारा बहुत खास भी है। ये एक और अगर यहाँ कुछ मार्क किया हुआ है कि ये साधु भगवंतों के उपास्य है, तो निश्चित रूप से यहाँ जिन्होंने संसार को छोड़ दिया, जिन्होंने इस जगत कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, वो उनके रहने की व्यवस्था है ये सारा का सारा क्षेत्र। और
मंदिर की जहाँ तक हम अगर बात करें तो ये मंदिर बहुत कमाल का है। श्री जीरावला जैन तीर्थ में एक ये भी नज़ारा हम देख सकते हैं, ये किसी संत के पगले हैं लेकिन इनको भी एक सम्मान पूर्वक स्थापित किया हुआ है, और चूँकि एक वृक्ष के नीचे ये विराजमान हैं। यहाँ मंदिर की को हम ये बाहर से अगर देखना चाहें और यहाँ की ये कलाकृति देखें तो सच में हमको आनंद आएगा, सच में आनंद आएगा। ये पूर्ण एरिया, संपूर्ण एरिया अपने आप में बहुत खास है। पूरा संगमरमर का, और संगमरमर के अलावा जो इसकी कलाकृति है इसके लिए तो लगता है कभी कभी कि कोई शब्द नहीं है। ये जितने भी यहाँ मंदिर के अंदर बेहतर जिनालय या इस तरह का, ये सबके अंदर जो हम ध्वजाएँ देख रहे हैं, तो एक बात कहेंगे कि सिरोही की ये बड़ी उपलब्धि है, और सिरोही में इस तरह का मंदिर होना सिरोही का को गर्व होता है इस बात के लिए। तो और लगातार काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। हम चूँकि इसके बाहर के नज़ारे को दिखा रहे हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि बहुत कमाल की कारीगरी है। कारीगरी की जब बात आती है तो हमको ताजमहल सामने दिखता है, लेकिन ये किसी ताजमहल से कम कैसे हो सकता है। और आने वाली सदियों के लिए ये मंदिर एक इतिहास बन जाएगा कि आज से 2-3 साल पहले जब भी इसकी प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर हजारों हजारों साल पुराना है, लेकिन अभी वर्तमान में क्योंकि भले ही काफ़ी बड़ी का खर्चा होता है, लेकिन समाज इसमें धन लगाता है और धन लगाना चाहिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म के लिए अगर हमने धन को खर्च किया है तो धन का सदुपयोग ही कहलाता है वो। तो इस तरह से हमने ये इस मंदिर के बाहर के नज़ारे को देखा। अंदर के नज़ारे को देखने के लिए हमको अंदर की आंखें खोलनी पड़ेगी, और ये मंदिर को हम बाहर तक, ये पहाड़ी के नीचे मंदिर है, और संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र बहुत बहुत गजब का है। तो हम आज इस यात्रा को यहाँ एक बार विराम देते हैं। श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान की जय के साथ हम इसके द्वार में, हम ये विशेष मंदिर की हम सूचना है, और सूचना ये है कि फ़ोटो लेना, वीडियोग्राफी सब सख्त मना है, तो हम इस को फॉलो करेंगे, 100% फॉलो करेंगे, और बाहर के इस सुंदर नज़ारे को कैमरे में कैद करते हुए इस वाणी को मैं विराम देता हूँ।